दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्यिकी पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, आज के इस वीडियो में राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC द्वारा आयोजित की जाने वाली कॉलेज सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा हेतु उसके निर्धारित पाठ्यक्रम से कुबेरनाथ राय जी के निबंध संग्रह गंधमादन के एक निबंध राघव करुणो रसह को लेकर आज हम आपके समक्ष पुनः उपस्थित हुए हैं। आइए निबंध पर आगे बढ़ने से पूर्व श्री कुबेरनाथ राय जी के व्यक्तित्व और उनके कृतित्व से परिचित हो लें। मित्रों, कुबेरनाथ राय का जन्म 26 मार्च 1933 को उत्तर प्रदेश गाजीपुर जिले में जमानिया क्षेत्र के मत्सा नामक ग्राम में श्रीमती लक्ष्मी देवी और श्री बैकुंठ राय की प्रथम संतान के रूप में हुआ। प्रमाण पत्रों और पुस्तकों में इनकी जन्मतिथि 3 जनवरी 1935 अंकित है, परंतु पंडित नागानंद वात्स्यायन के अनुसार जन्म कुंडली वाली तिथि 26 मार्च ही सही है। मित्रों, मत्सा गांव के प्रसिद्ध वैष्णव राय परिवार में जन्म लिया और वैष्णवी संस्कारों को ग्रहण किया। आपके प्रिय पितामह ने स्वामी रामाचार्य से दीक्षा ली और उसके उपरांत इनका परिवार विगत 4 पीढ़ियों से रामानुज संप्रदाय में दीक्षित है। आपकी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव मत्सा के प्राइमरी स्कूल और ढड़नी मिडिल स्कूल से और हाई स्कूल की शिक्षा शिव पूजन इंटर कॉलेज मत्सा में कृषि विज्ञान से और इंटरमीडिएट की शिक्षा प्रिंस कॉलेज वाराणसी से विज्ञान वर्ग में हुई। बीए की पढ़ाई काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य दर्शन और गणित लेकर पूरी की। एमए अंग्रेजी साहित्य से कलकत्ता विश्वविद्यालय से किया और वहीं से हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की साहित्य रत्न परीक्षा भी पास की। 12-13 वर्ष की अवस्था में एक बड़े किसान वीर भंजन पांडे की पुत्री महारानी देवी से आपका विवाह हुआ। आपकी संतान के रूप में पुत्र कौशलेंद्र कुमार हैं। कुबेरनाथ राय जी ने अपनी प्रतिभा के बल पर लेखन कार्य छात्रावास में ही शुरू कर दिया था। जब वे कक्षा 8 में थे तभी विशाल भारत और माधुरी में उनकी रचनाएं प्रकाशित हुई थी। प्रारंभ में अंग्रेजी में ही लिखना प्रारंभ किया, किंतु बालकृष्ण राव ने हिंदी में लिखने का सुझाव दिया। बाद में श्री नारायण चतुर्वेदी जी की प्रेरणा से धर्मयोग, कल्पना, ज्ञानोदय, माध्यम, वीणा आदि हिंदी पत्रिकाओं में आपके लेख छपने लगे। उन्हीं की प्रेरणा से वे राष्ट्रीय व साहित्यिक उत्तरदायित्व के प्रति सजग होकर लेखन कार्य करने लगे और आपका लेखन मृत्यु पर्यंत जारी रहा। यहाँ तक कि मृत्यु के दिन भी पढ़ते लिखते रहे। आपके कुल 20 ललित निबंध संग्रह हैं, प्रिया नीलकंठी, रस आकेटक, गंधमादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी, पर्ण मुकुट, महाकवि की तर्जनी, पत्र मणिपुतुल के नाम, कामधेनु, मन पवन की नौका, किरात नदी में चंद्रमधु, दृष्टि अभिसार, त्रेता का बृहद साम, मराल, उत्तर कुरु, चिन्मय भारत, वाणी का क्षीर सागर, अंधकार में अग्निशिखा, रामायण महातीर्थम और आगम की नाव। इन 20 ललित निबंध संग्रहों के अलावा उनका एक काव्य संग्रह कंथामणि 1998 में प्रकाशित हुआ और स्वामी सहजानंद सरस्वती ग्रंथावली की भूमिका में लिखे गए लेखों का संपादन 2008 में पुनर्जागरण के शलाका पुरुष स्वामी सहजानंद नाम से किया गया। आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार प्रिया नीलकंठी पर, तो रस आखेटक पर राज्य साहित्य पुरस्कार हिंदी समिति उत्तर प्रदेश द्वारा, गंधमादन पर राज्य साहित्य पुरस्कार हिंदी समिति उत्तर प्रदेश द्वारा, इसी प्रकार पर्ण मुकुट पर आपको पुरस्कार मिला हिंदी समिति उत्तर प्रदेश द्वारा, महाकवि की तर्जनी पर सम्मान व ताम्रपत्र तथा राम साहित्य पुरस्कार प्राप्त हुआ, पत्र मणिपुतुल के नाम पर स्वामी अभयानंद पुरस्कार, किरात नदी में चंद्रमधु पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार, त्रेता का बृहद साम पर राम कुमार भुवाल का पुरस्कार, कामधेनु पर मूर्ति देवी पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त अन्य पुरस्कारों में आपको भोजपुरी रत्न, राही मसूम रजा पुरस्कार, साहित्य भूषण पुरस्कार, विद्यासागर मानद उपाधि, स्वामी सहजानंद पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें से आपको स्वामी सहजानंद पुरस्कार मरणोपरांत प्राप्त हुआ। मित्रों, प्रस्तुत निबंध राघव करुणो रस है, आपके 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित ललित निबंध संग्रह गंधमादन से लिया गया है। इस निबंध संग्रह में 15 ललित निबंध
तीन रिपोर्टाज तथा तीन विचार प्रधान निबंध समाविष्ट किए गए हैं। मित्रों, गंधमादन में सम्मिलित ललित निबंध हैं शब्दश्री, नदी, तुम बीजाक्षरा, अन्नपूर्णा, वाणभूमि, गौरी मार्ग और कामुक मेघ, राघव करुणो रस है, चित्र विचित्र, जल दो, फटिक जल दो, शरद बांसुरी और विपन्न मराल, उज्जड वसंत और हिप्पी जलचर, विकल चैत्ररथी, किरण सप्तपदी, मायावी शिखरों के प्रेक्षाग्रह, सनातन नदी, अनाम धीवर, छप्पन भोगों की इतिहास नदी, स्नान, एक सहस्र शीर्षा अनुभव। रिपोर्टाज जो इस संग्रह में सम्मिलित हैं वे हैं दृष्टि जल, दृष्टि अभिषेक, कजरी वन में जीव हंस तथा जो आपके विचार प्रधान निबंध इस संग्रह में सम्मिलित हैं वे हैं आधुनिकता नई और पुरानी, आधुनिकता अकर्म से कर्म की ओर तथा शिशुवेद। मित्रों, गंधमादन संग्रह के आवरण पृष्ठ पर प्रकाशक ने इस कृति के गंधमादनत्व पर प्रकाश डालते हुए इन निबंधों की प्रासंगिकता को उजागर करने वाले एक उद्धरण को भी प्रस्तुत किया है जो दिनमान में लेखक की प्रशस्ति में छपा था। पुस्तक के अंत में लेखक ने अपने लेखन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डाला है। इस संग्रह के नामकरण पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने लिखा है, गंधमादन का अभिधार्थ होगा जो सुगंध द्वारा मादन करे। ये निबंध शब्दों के महाकांतार की रचना करते हैं जिसके भीतर कुसुमित अर्थों की विविधा सुगंध प्राप्त करने के लिए जाने अनजाने मार्ग पर संचरण करने का कष्ट करना होगा। ये निबंध वाक्यों के चंदन काष्ठ हैं जिनके भावों और विचारों की सुगंध प्राप्त करने के लिए पाठक को थोड़ा सा निर्मल तरल मन देकर इन्हें कष्टपूर्वक घिसना पड़ेगा। मित्रों, लेखक ने इन निबंधों को बौद्धिक आनंद के लिए लिखा है। इस ओर संकेत करते हुए वे लिखते हैं, साहित्य का आनंद ही बौद्धिक आनंद है और प्रत्येक बौद्धिक आनंद के लिए अल्प चेष्टा या थोड़ा प्रयत्न अपेक्षित है, तो भी इन रचनाओं के मर्म में छिपी अर्थ की गंध पाठक की आत्मसत्ता का मादन करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी से इस संग्रह का नाम रखा गया है गंधमादन। आगे अपनी बात के अंतर्गत ही लेखक ने इस नामकरण के अन्य कारण भी बताए हैं जिनमें से एक कारण इस शब्द के प्रति बचपन से ही मोह है। लेखक गद्य लेखन को एक भारी भरकम गदा मानता है। महाभारत के वन पर्व में उल्लिखित गंधमादन पर्वत के पौराणिक संदर्भ का परिचय देते हुए लेखक ने इस पौराणिक मिथ के प्रयोग की व्याख्या इस प्रकार की है, गंधमादन को मैं मानवीय कल्पना के मध्य उपलब्ध रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द की चरम सीमा या दिगंत भूमि के रूप में देखता हूं। इससे आगे निषेध की लक्ष्मण रेखा है, इससे आगे जाना समाज बांधकर रहने वाले मनुष्य के लिए संभव नहीं। जब मैं इन निबंधों को लिख रहा था तो मुझे कभी कभी ऐसा लगा कि मैं भीमसेन की तरह गद्य की भारी भरकम गदा उठाए कल्पना और अनुभूति के गंधमादन में प्रवेश कर रहा हूं, और इसके आगे कोई सव्याची, कोई धनुर्धर बंधु, कोई कवि भले ही चला जाए परंतु किसी गदा पाणी गद्यकार के लिए इसके आगे जाना निषिद्ध है। इस कारण से भी मैंने इस संग्रह का नाम गंधमादन देना उचित समझा। मित्रों, इन सुनिश्चित कारणों के अतिरिक्त लेखक ने एक अन्य कारण असमिया मुहावरा गंधमादन उठा लाया को बताया है। यह वस्तुतः लक्ष्मण शक्ति तथा हनुमान प्रसंग से संबद्ध चार औषधियों वाले शैल शिखर गंधमादन के लिए है। लेखक के अनुसार यह मुहावरा मुझे बिल्कुल ठीक जचा और मैंने निश्चय किया कि मेरे इस संग्रह का नाम भी गंधमादन रहेगा। इसके उपरांत लेखक आज की विविध विकारों से ग्रस्त पीढ़ी की बात करते हैं और इस संदर्भ में अपने निबंधों की प्रासंगिकता को इस प्रकार रेखांकित करते हैं, ऐसी अवस्था में साहित्य के भीतर कोई गंधमादन खोजना होगा जिसके क्रोध में तमसा छन्न रात्रि को विदीर्ण करता हुआ चार औषधियों का प्रकाश दहक रहा हो। मेरा आदर्श है, मेरी चेष्टा का लक्ष्य बिंदु है और इस बात के साक्षी हैं ये निबंध। अतः मैं इस निबंध संग्रह को गंधमादन नाम दे रहा हूं। मित्रों, राघव करुणो रस निबंध राम के करुणापूर्ण जीवन का रहस्य स्पष्ट करता है। यह कहा जा सकता है कि गंधमादन के ललित निबंध रसात्मकता से भरपूर हैं, विषय विविधता और व्यापकता के साथ विवेचन की सूक्ष्मता तथा भाषा की प्रौढ़ता ने इन निबंधों में पाठक को अभिभूत करने की कला का समावेश कर दिया है। डॉक्टर सत्यकाम गंधमादन को सांस्कृतिक सरोवर की सैर से उपमित करते हुए इसकी प्रशंसा में लिखते हैं कि गंधमादन संस्कृति की विराट भूमि है, यह देश की साहित्यिक, सांस्कृतिक, कलात्मक, सौंदर्यात्मक भावभूमि के विभिन्न रंगों से संपृक्त फुलवारी है। मित्रों, राघव करुणो रस में
आज समाज में प्रचलित निर्वासन भाव का चित्र है। आज के नए मनुष्य ने अपने आप को स्वयं की कोटर में बंद कर लिया है, वह धुरीहीन है, उसकी प्रतिबद्धता किसी से नहीं। नए मनुष्य के ऊपर नाजीवाद, कम्युनिज्म, महायुद्ध, विभाजन जैसी ऐतिहासिक शक्तियों ने जितना निर्वासन थोपा है उससे ज्यादा उसने स्वयं वरण कर लिया है। यहाँ राय जी का स्वर गंभीर हो गया है। निर्वासन की इस अवस्था को स्पष्ट करने के लिए श्री राम को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। नए मानव के समान राम भी निर्वासित थे, किंतु राम का व्यक्तित्व निर्वासन संदर्भ के भीतर जैसी प्रतिक्रिया करता है वैसे नए मनुष्य का व्यक्तित्व नहीं। नए साहित्य में करुण रस की नई स्थिति को निर्वासन कहते हैं। राम करुण रस की मूर्ति है। धीर गंभीर के साथ साथ स्निग्ध, करुण और श्यामल भाव उनके व्यक्तित्व की विशेषता है। पर निर्वासन की समस्या के संदर्भ में हमारा तात्पर्य स्थल पर उनके व्यक्तित्व के पूर्वोक्त दिक अनासक्ति या तटस्थता से ही है। नए मनुष्य ने कई प्रकार के मूल्यों के प्रति एक मानसिक अवरोध की रचना कर ली है। तो ये मित्रों, चलते हैं कुबेरनाथ राय के ललित निबंध संग्रह गंधमाधन के हमारे आज के विविच निबंध राघव करुणो रस की ओर। मित्रों, इस निबंध पर आगे बढ़ने से पूर्व आपको ये स्पष्ट कर दें कि आरपीएससी द्वारा पूर्व में जारी किए गए पाठ्यक्रम के अनुसार संपूर्ण गंधमाधन निबंध संग्रह दिया गया था, लेकिन संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार आपको गंधमाधन में से केवल इसी निबंध का अध्ययन करना है, राघव है करुणो रस है। आइए चलते हैं आज के निबंध की ओर। राघव है करुणो रस है शीर्षक निबंध में कुबेरनाथ राय लिखते हैं कि नए साहित्य में करुण रस की नवीनतम स्थिति है निर्वासन। मित्रों, निर्वासन का शाब्दिक अर्थ होता है बलपूर्वक निकाल देना अथवा देश निकाले का डंग। प्रस्तुत निबंध में कुबेरनाथ राय कहते हैं कि नए साहित्य में निर्वासन भाव का स्वतंत्र विकास इस रूप में हो रहा है कि यह स्थायी भाव जैसा बन गया है। ऐसी हालत में एक स्वतंत्र निर्वासन रस की कल्पना कर ली जाए तो भी कोई हर्ज नहीं। यह मात्र साहित्यिक व्यथा नहीं है, विश्व स्तर पर आज मनुष्य इस निर्वासन व्यथा को वास्तविक रूप में भोग रहा है। यह तथ्य है, यह सही है कि इसका जो रूप अर्थ काम के अति सुख से उत्पीड़ित अमेरिका में है वही रूप त्रास और दैन्य से पीड़ित पश्चिमी यूरोप में नहीं है। रूस, चीन या तिब्बत में तो इस निर्वासन की विधा ही बिल्कुल अलग किस्म की है, पर किसी न किसी रूप में मनुष्य अर्थात उसका सजीव रूप व्यक्ति सर्वत्र निर्वासन भोग रहा है। हिंदुस्तान में यह उतने व्यापक तौर पर भले ही ना हो, पर है यह जरूर। सबूत के तौर पर शरणार्थियों, विस्थापितों, पुराने ईमानदार कांग्रेसियों, आदर्शवादी बुद्धिजीवियों, नवबोध प्राप्त विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों, आदर्शवादी पार्टी कर्मियों, चाहे जो पार्टी हो या जो आदर्श हो, अल्पसंख्यक ईमानदार अफसरों आदि के हृदय में प्रवेश करके देखें तो पता चलेगा कि सभी अपने आप को अपने परिवेश से एवं आसपास से निर्वासित अनुभव कर रहे हैं। कारण विभिन्न है, वस्तुस्थितियां विभिन्न है, पर शाप एक ही है जो सबके शीश पर प्रेत की तरह मंडरा रहा है। इनमें भी जो निर्वासन के साथ साथ बौद्धिक अजनबीपन के शिकार हैं, यद्यपि अपने देश में ऐसे बहुत कम हैं, उनकी यातना दोहरी भयावह है। यहां पर हम समस्या को विश्व स्तर पर ले रहे हैं। मनुष्य अकारण निर्वासित है ऐतिहासिक शक्तियों द्वारा, इस पीढ़ी का कोई अपराध नहीं। ऐसे अकारण निर्वासन का उदाहरण रामायण में भी है। राम उसी तरह अकारण निर्वासित हुए थे जैसे आज का नया मनुष्य। स्थिति दोनों की एक है, दोनों निरपराध हैं, पर परिवेश की सती समानता के बावजूद अपने अपने संदर्भ में उनकी प्रतिक्रिया समान धर्मी नहीं होती है। राम का व्यक्तित्व निर्वासन संदर्भ में भीतर जैसी प्रतिक्रिया करता है वैसा नए मनुष्य का व्यक्तित्व नहीं। यहां पर हम राम के व्यक्तित्व के कुछ पहलुओं की चर्चा इस निर्वासन के संदर्भ में रखकर प्रस्तुत कर रहे हैं। मित्रों, आगे कुबेरनाथ राय कहते हैं कि राम के निर्वासन का चरम रूप सीताहरण के पश्चात और लंका अभियान के पूर्व के मध्यांतर में मिलता है। इसमें भी किष्किंधा कांड के भीतर सुग्रीव अभिषेक के बाद माल्यवत शिखर पर बिताए गए कुछ मास निर्वासन और निसंगता की तीव्रतम स्थिति है। मन बालीवध की उत्तेजना से पीड़ित है। नूपुर और वस्त्र देखकर उन्हें अंदाज हो गया है कि उनका शत्रु रावण ही है। जटायु ने भी यही सूचना दी थी। अतः महाप्रतापशाली शत्रु की चिंता
अपने अकेलेपन और असहायता का बोध, बालीवध की उत्तेजना, मैथिली के प्रति करुणा और अनिश्चित भविष्य की चिंता तो थी ही, ऊपर से वर्षा काल आ जाने से कोई भी प्रयत्न नहीं किया जा सकता। शरद के आगमन की प्रतीक्षा करो, तब तक निष्क्रिय बैठे रहो और कातरतावश अपना आत्मक्षय करो। आत्मक्षय करो अर्थात स्वयं का क्षय करो, स्वयं को समाप्त करो। इस मनस्थिति में ही राम का धीर गंभीर और करुण श्यामल रूप दुख के अंधकार के भीतर से फूटता है। यह रूप और यह आत्म संघर्ष वाल्मीकि और तुलसीदास ने वर्षा वर्णन और शरद वर्णन के माध्यम से प्रस्फुटित किया है। वाल्मीकि के वर्णन में आत्मसंघर्ष की ही प्रधानता है, उनका वर्षा वर्णन नायक की व्यथा और उसकी सहज धीरता, उसकी काम कातरता और उसके शांत सौंदर्य बोध का घोर अंतर्द्वंद्व प्रस्तुत करता है। ऐसा लगता है कि राम अपनी उत्तेजना को प्रकृति के शांत सौंदर्य बोध में डुबोकर एक शांत बिंदु पाने का दुर्निवार प्रयत्न कर रहे हैं। दुर्निवार अर्थात जिसका निवारण कठिन हो। वाल्मीकि ने यह दिखाया है कि असह्य दुख मिट नहीं पाता, इसे भोगने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं, कोई विकल्प नहीं। लीला का जन्म ही भोगने के लिए होता है। उनके शरद वर्णन में चलकर यह उत्तेजना और तीव्र हो गई है, परंतु तुलसी का बोध अलग है। उनकी उदात्त धीरता को वे शरद वर्णन तक ले जाते जाते इस आत्मसंघर्ष में जयी बना देते हैं और उनका मन शांत, स्थिर और सबल हो जाता है। क्षितिज के शिखरों पर मेघों की नील सोपान पंक्ति खड़ी है। मेघों की नील सोपान पंक्ति अर्थात नीले नीले बादल। नील अंबर तक आरोहण करने के लिए राम प्रारंभ में ही कहते हैं, लक्ष्मण देखो, संध्या रघोत्थितेस्ता मेरन्ते स्वपि च पांडुभिः निगवैर भ्रपट छेदेर वृद्ध व्रण विमांबरम मंद मारुतनि श्वास संध्या चंदन रंजितम अपांडु जलद भाति कामातुर मिवांबरम एषा धर्म परिक्लिष्टा नववारि परिप्लुता तितेव शोक संतप्ता मही बाष्पम विमुंजति। अर्थात संध्या के कारण आकाश का रंग ताम्र वर्णी और पांडुर है, लगता है कि आकाश के हृदय में भी धाव है और भीगे बादलों की पट्टी उस पर बंधी है। संध्या चंदन से चर्चित पांडुर वर्णी बादलों वाला आकाश कामातुर सा लगता है, जिसका चेहरा पीला पड़ गया है, पांडु अर्थात पीला, और मंद मारुत जिसकी कामोत्तेजना का निवास है, तेज धूप से पीड़ित नए जल से सींची धरती से वाष्प उठ रही है, जैसे यह शोक संतप्त सीता हो। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के सर्ग 27 में यह छंद लिखा हुआ है। आगे कुबेरनाथ राय कहते हैं कि राम अपने अंतर के पाप को विश्व प्रकृति के हृदय में बद्ध व्रण विरामबरम पाते हैं और यह घाव तब और भी सूटता है जब नील मेघ में दामिनी दमकती है। उन्हें लगता है मानो रावण के अंक में कातर तपस्विनी वैदेही हो। फिर कहते हैं, हे सौमित्र, पर्वत के सानू पर फूले हुए कुटजों को देखो। मित्रों, सानू अर्थात पर्वत के ऊपर की समतल भूमि अथवा पर्वत के शिखर के ऊपर की समतल भूमि। राम कहते हैं कि हे सौमित्र अर्थात हे लक्ष्मण, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि पर फूले हुए कुटजों को देखो। ये मेरे शोकाभिभूत मन में काम संदीपनार्थ पुष्पित हो रहे हैं। और इसके बाद छंद बदल जाता है और एक से एक कोमल और संगीतमय चित्र आते हैं। और ऐसा यह दुख की अंतरधारा सारी कोमलता को भेद कर प्रतापशाली शत्रु की चिंता के रूप में आ जाती है और फिर शोक और कातरता का अनुष्टुप छंद लौट आता है। मित्रों, अनुष्टुप छंद संस्कृत काव्य में सर्वाधिक प्रयुक्त छंद है। इसका वेदों में भी प्रयोग हुआ है। रामायण, महाभारत और गीता के अधिकांश श्लोक अनुष्टुप छंद में ही हैं। इसमें कुल 32 वर्ण होते हैं। 8-8 वर्णों के 4 चरण होते हैं। हिंदी में जो लोकप्रियता और सरलता दोहे की है, वही संस्कृत में अनुष्टुप छंद की है। इस छंद के प्रत्येक पद अथवा चरण का छठा वर्ण गुरु होता है और पंचमा अक्षर लघु होता है। प्रथम और तृतीय चरण का सातवां वर्ण गुरु होता है और दूसरे और चौथे चरण का सप्तमाक्षर लघु होता है। इस प्रकार पादों अथवा चरणों में सप्तमाक्षर क्रमशः गुरु लघु होता रहता है, अर्थात प्रथम पाद में गुरु, द्वितीय पाद में लघु, तृतीय में गुरु, चतुर्थ में लघु। प्रत्येक आठवें वर्ण के बाद
यति होती है। इसे ही श्लोक के रूप में हम कह सकते हैं कि श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर ऋष्वम सप्तमम दीर्घमन्ययो। अर्थात एक पद अथवा चरण का छठा वर्ण गुरु होता है, पंचमाक्षर लघु होता है, प्रथम और तृतीय पद का सातवां वर्ण गुरु, दूसरे और चौथे पद का सातवां वर्ण लघु होता है। तो कुबेरनाथ राय कहते हैं कि फिर शोक और कातरता का अनुष्टुप छंद लौट आता है। यह दुख प्रेमिका के लिए रीतिबद्ध नागर का दुख नहीं है। रीतिबद्ध नागर अर्थात रीतिकालीन कवियों के द्वारा जो नायिका के विरह में नायक का दुख प्रकट किया गया है, यहाँ कुबेरनाथ राय जी उसी का उल्लेख करते हैं। यह दुख राम का यह दुख प्रेमिका के लिए रीतिबद्ध नागर का दुख नहीं है। यह तपस्विनी वैदेही पवित्र मैथिली की कातर अवस्था के प्रति करुणा अधिक है और व्यक्तिगत निजी काम व्यथा कम। यह पवित्रता और सौंदर्य के आहत होने पर बोध किया गया एक विश्वव्यापी दुख है। इस दुख को राम कातर रूमानी नायक की तरह नहीं वहन करते हैं। वे धीरता के समुद्र हैं और दुख इन्हें उद्धार की चिंता की ओर प्रेरित करता है। यद्यपि दुख ऐसा ही है और उनके व्यक्तित्व का एक अंश उसे अहर्निश भोग रहा है, इस नियति से कोई मुक्ति नहीं, कोई क्षमा नहीं, कोई शांत बिंदु नहीं। पर तुलसी इस यातना में निर्वासन और आत्मसंघर्ष के बीच से नायक को शांत बिंदु की ओर ले गए हैं। उनके नीलांबुज श्यामल कोमल राम के व्यक्तित्व की जड़ें अगाध धीरता के समुद्र में हैं। उन्होंने उत्तेजना और आत्मसंघर्ष से शांत बिंदु तक की मानसिक प्रक्रिया को मूलतः चार स्तरों में विभाजित किया है। उत्तेजना के प्रथम आघात से जब वे दीन भाव से हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी आदि कहते हैं, मित्रों जब रावण सीता को हरण कर ले जाता है तो उत्तेजित होकर राम जंगल में सबसे पूछ बैठते हैं, पशु पक्षी वनस्पति सबसे, कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। कि हे पशु पक्षियों क्या आप सबने सीता को देखा है। कुबेरनाथ कहते हैं कि उत्तेजना के प्रथम आघात से जब वे दीन भाव से हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी आदि कहते हैं तो लगता है कि उनका व्यक्तित्व टूट टूट कर बिखर जाएगा, पर भीतर ही भीतर अमृत और प्राण की शक्तियां सक्रिय हैं। फिर वसंत आता है, सारा वन कुसुमित हो उठता है, काम के तीरों से तरुलता क्या सारी सृष्टि पीड़ित और उल्लसित है। यह पीड़ा राम भी भोगते हैं पर उनके भीतर का देवता उनका सहज पुनीत मन अनासक्ति के अमृत से उस यातना को सींच कर ठंडा कर रहा है। मित्रों अनासक्ति अर्थात मोह रहित होना या अनासक्त होना, उदासीन होना। उनका सहज पुनीत मन अनासक्ति के अमृत से उस यातना को सींच कर ठंडा कर रहा है। एक ओर कामना तीव्र है तो दूसरी ओर वैराग्य का स्वर भी सक्रिय है। जो आत्मसंघर्ष वाल्मीकि के वर्षा वर्णन में है वह तुलसीदास के वसंत वर्णन अर्थात अरण्यकांड में है। कल्याण के कल्प वृक्ष स्वरूप नारद का प्रवेश इसी संघर्ष भूमि में आकर वैराग्य और अनासक्ति के वातावरण को और सबल बना देता है। फिर पंपासर आते हैं, बालिका वध करते हैं, रावण जैसे शत्रु की चिंता अनिश्चित भविष्य तथा निष्क्रिय स्थिति की पीड़ा के संदर्भ में वर्षा आती है, पर उत्तेजना का पर्याप्त अवसर होने पर भी मन सहज धीरता की स्थिति में है। प्रियाहीन डरपत मन मोरा कहकर अंतर की सतत जागरूक व्यथा का एक संकेत मात्र कर देते हैं। अब वे प्रथम अवस्था की तरह कातर और कमजोर नहीं है। मयूर नृत्य और मेघ गर्जन से प्रिया की याद आती है पर वे उत्तेजना को प्रकृति के शांत सतोगुणी सौंदर्य में लीन कर देते हैं। सारी मानसिक भूमि अचानक हरी भरी और नील रमणीय हो उठती है। दुख और उत्तेजना शांत सौंदर्य में स्नान करके शुद्ध हो चुके हैं। प्रकृति के कोमल चित्रों से सरल सादे नागरिक विदग्धताहीन सतोगुणी संस्कार जन्म ले रहे हैं। शरद तक आते आते मन पूरा प्रकृतिस्थ है। शरद समूची प्रक्रिया की अंतिम कड़ी है जहां मन पूर्ण शांत है, जहां धीरता जयी हो गई है। वे जानते हैं शोक का समुद्र विस्तीर्ण है पर अब वे शांत उत्तेजनाहीन मन से उद्धार की चिंता करने में समर्थ हैं। वाल्मीकि का चित्र मानवीयता की दृष्टि से तुलसी से अधिक वास्तविक लगता है पर निर्वासन के भीतर से घोर गंभीर स्निग्ध श्यामल रूप
तुलसी में अधिक सशक्त ढंग से अभिव्यक्त होता है। सहज सौंदर्य बोध और सतोगुणी मन की यह विजय घोर करुण रस के प्रतीक राघव के अधिक उपयुक्त है। यद्यपि दोनों चित्र मानवीय हैं, दोनों सहज हैं, पर एक है मात्र यथार्थ और दूसरा है अतिमा परक यथार्थ। मित्रों, अतिमा परक अर्थात ट्रांसेंडेंटल अर्थात उत्तमोत्तम यथार्थ या अधिक प्रवीण यथार्थ। जीवन में दोनों का अस्तित्व है और दोनों वास्तविक हैं। यह और बात है कि एक की मिसालें ज्यादा मिलती हैं और दूसरे की कम, पर महिमा का जन्म दूसरे से ही होता है। राम मनुष्य की इसी महिमा के प्रतीक हैं। नए मनुष्य के निर्वासन में शांत सौंदर्य बोध के इसी अमृत स्पर्श का अभाव है। ऐतिहासिक शक्तियों ने जैसे नाजीवाद, कम्युनिज्म, महायुद्ध और विभाजन ने उसके ऊपर जितना निर्वासन थोपा है, उससे ज्यादा उसने स्वयं आगे बढ़कर वरण कर लिया है। उसका स्वय जिस रित का पान करके जी रहा है, उसी रित की धुरी अर्थात मानवीय मूल्य जिनमें सौंदर्य भी एक है, उसने छिन्न भिन्न कर डाली है। मित्रों, रित वैदिक धर्म में सही सनातन प्राकृतिक व्यवस्था और संतुलन के सिद्धांत को कहते हैं, अर्थात वह तत्व जो पूरे संसार और ब्रह्मांड को धार्मिक स्थिति में रखे या लेकर आए। वैदिक संस्कृत में इसका अर्थ होता है ठीक से जुड़ा हुआ, सत्य, सही या सुव्यवस्थित। मित्रों, कुबेरनाथ राय कहते हैं कि उसका स्वय जिस रित का पान करके जी रहा है, उसी रित की धुरी अर्थात मानवीय मूल्य जिनमें सौंदर्य भी एक है, उसने छिन्न भिन्न कर डाली है। फलतः कई प्रकार के मूल्यों के प्रति एक मानसिक अवरोध अर्थात इनहिबिशन अर्थात निषेध या रुकावट की रचना उसने कर ली है। शांत सौंदर्य बोध को वर्ड्सवर्थियन या रूमानी कहकर तिरस्कृत करना आज का आम कायदा हो गया है। वर्ड्सवर्थियन अर्थात रोमानियत से भरा। रामायणकार ने वर्षा और शरद का वर्णन केवल महाकाव्य की परिभाषा सम्मत परिपाटी के पालन के लिए नहीं किया है। रामायणकार यहां दिखाना चाहता है कि शांत सौंदर्य बोध से निर्वासन का विष कटता है। परिपाटी पालन के लिए तो अयोध्या कांड में यह सीता हरण के पूर्व भी वर्षा वर्णन दिया जा सकता है, पर वाल्मीकि या तुलसीदास ने उपयुक्त कारण से ही वर्षा वर्णन को निर्वासन की तीव्रतम अवस्था के संदर्भ में रखा है। निर्वासन की स्थिति में आत्मक्षय और कुंठा से राम की रक्षा में उनके स्वभाव का एक दूसरा दिक भी है। मित्र, दिक को अंग्रेजी में स्पेस भी कहते हैं, अर्थात जगह का वह फैलाव या विस्तार जिसमें वस्तुओं का अस्तित्व होता है और घटनाएं घटती हैं। तो कुबेरनाथ जी कहते हैं कि निर्वासन की स्थिति में आत्मक्षय और कुंठा से राम की रक्षा में उनके स्वभाव का एक दूसरा दिक भी है, जिसका महत्व इस सौंदर्य बोध से अधिक है। सौंदर्य बोध तो अवसर जात निदान है, स्थायी निदान नहीं। स्थायी निदान है अनासक्ति या स्वय के प्रति तटस्थता। राम किसी मुंह से बंधे नहीं है। भरत और लक्ष्मण उनकी दोनों आंखों के तारे हैं। मैथिली उनके हृदय की सहज सांस है, पर इतना होते हुए भी जब चरम बिंदु आता है तो वे घोर अनासक्त हो जाते हैं और किसी का भी त्याग कर सकते हैं। चरम बिंदु पर उपस्थित होने पर उनके मन में न तो काम की उत्तेजना है और न क्रोध की। वे अपने आप को ऋत चक्र के साथ एकाकार मानने लगते हैं। किसी से उन्हें दर्द नहीं होता, मनस्ताप नहीं होता, आत्मक्षय नहीं होता, निर्वासन के नागदंत विषहीन हो जाते हैं। उनमें सहज प्रेम है पर आसक्ति नहीं। सहज प्रेम आत्मा का अमृत रस है पर आसक्ति आत्मा का बंधन है। वे रोमियो या दुष्यंत नहीं। सीता को अग्नि परीक्षा के अवसर पर स्पष्ट बता देते हैं कि मैथिली, यह युद्ध मैंने तुम्हारे प्रति आसक्ति या कामना से नहीं किया, ऐसा मुझे करना था अतः मैंने किया। रावण का वध व्यक्तिगत रोष के कारण या पत्नी के उद्धार के लिए नहीं करते हैं। पत्नी उद्धार तो निमित्त मात्र था, वास्तविक उद्देश्य था ऋत चक्र की बिगड़ी गति को ठीक करना, उसकी दिशा को ठीक करना। यदि रामायण पत्नी हरण और उद्धार का काव्य मात्र है तो इसका विश्वव्यापी मूल्य क्या रह गया? यह व्यक्तिगत ट्रेजडी और व्यक्तिगत समाधान के स्तर की चीज नहीं। मित्रों, ट्रेजडी अर्थात दुखांतिका, ये व्यक्तिगत ट्रेजडी और व्यक्तिगत समाधान के स्तर की चीज नहीं। यदि प्रिया मैथिली के प्रति आसक्ति ही इस युद्ध का कारण रहती तो इतनी निर्विकारता से सारी व्यक्तिगत व्यथा को दबाकर मैथिली का दोबारा वे त्याग नहीं कर सकते थे। मित्रों, अग्नि परीक्षा देने के उपरांत सीता को पुनः अपनाकर अयोध्या ले आते हैं। राम का राज्याभिषेक होता है
और सब कुछ ठीक प्रकार से चल रहा था कि तभी अपने प्रजाजनों की बातों को सुनकर मैथिलिका सीता का वे पुनः त्याग कर देते हैं। और इसीलिए कुबेरनाथ राय कहते हैं कि यदि प्रिया मैथिली के प्रति आसक्ति ही इस युद्ध का कारण रहती तो इतनी निर्विकारता से सारी व्यक्तिगत व्यथा को दबाकर मैथिली का दोबारा वे त्याग नहीं कर सकते थे। तथ्य तो यह है कि राम ऋतचक्र से प्रतिबद्ध थे और यह प्रतिबद्धता जैसा आदेश देती गई वैसा वे स्वयं निरपेक्ष ढंग से घोर अनासक्ति के साथ करते गए। हमारे लाभ हानि वाली सांसारिक युक्ति युक्तता के अनुसार वे कार्य न्याय हो या अन्याय पर उनका पाप राम को स्पर्श नहीं कर पाता क्योंकि वे सारे कार्य बिना काम क्रोध रोष मोह के अनासक्त ढंग से किए गए हैं। बालिका वध उन्होंने अकारण ही किया पर इसका उन्हें जरा भी मनस्ताप नहीं हुआ। न मे तत्र मनस्तापो न मन्योर हरिपुंगव। यह क्यों? भारत के बूढ़े कूटनीतिज्ञ राजगोपालचारी का उत्तर है कि राजनीतिक आवश्यकता थी, यह एक अनिवार्यता थी, पर उनके जैसे शील और करुणा के समुद्र को किसी का अकारण वध करने पर मनस्ताप न हो यह असंभव है, पर तथ्य है कि उन्हें मनस्ताप नहीं हुआ क्योंकि क्रोध या रोष की प्रेरणा से उन्होंने मारा नहीं था। उन्होंने वाल्मीकि के अनुसार कहा है कि वीर वानर श्रेष्ठ इस समय धरती के सम्राट भरत हैं, उनके द्वारा स्थापित और परिचालित धर्म चक्र के विपरीत तुम कार्य कर रहे थे, अतः मेरा कर्तव्य था कि उनके विधान से भिन्न मर्यादा का निग्रह करूं। मित्रों, निग्रह अर्थात रोग या अवरोध, मैंने किसी व्यक्तिगत कारण से तुम्हें नहीं मारा है। ऐसी घोर अनासक्ति, ऐसी घोर निर्विकारता एकमात्र ईश्वर में या ऋत चक्र में ही प्राप्त हो सकती है। इसी निर्विकारता शुद्धता और इसी पाप मुक्त मन के कारण राम को लोग ईश्वर मानते हैं और कोई कारण नहीं। राम कर्म करते भी जाते हैं पर न केवल कर्म फल के प्रति बल्कि कर्म के प्रति भी निरासक्त रहते हैं। ऋत चक्र का जो सूत्रधार होगा वही इतने कठोर अनुशासित ढंग से तटस्थ रह सकेगा, दूसरा नहीं। राम मनुष्य हैं पर मनुष्यता का वर्ण उन्होंने उसी सीमा तक किया है जहां तक शील और करुणा का संबंध है। शील और करुणा उनके व्यक्तित्व के अन्य दिक हैं जो मनुष्यता मुखी हैं, पर उनकी स्वयं से तटस्थता या अनासक्ति ईश्वरीयता मुखी है। राम के संपूर्ण व्यक्तित्व का चरित्र वाल्मीकि से अधिक परिष्कृत ढंग से तुलसीदास में मिलता है। बालिका वध उन्होंने ऋत की रक्षा के लिए किया पर जरा सी कोमल वाणी सुनने पर प्रभु अजहू मैं पात की अंतकाल गति तोर, ऐसा जब वाली ने कहा तो उनकी मनुष्यता उनकी निर्मम तटस्थता को दबाकर उभर आती है और वे विगलित हो जाते हैं। उस मरणोन्मुख योद्धा के शीश को सहलाकर कहते हैं अचल करो तनु राखो प्राणा। यह है उनका करुणामय रूप, धीर गंभीर के साथ साथ स्निग्ध करुण और श्यामल। यह उनके व्यक्तित्व की अद्भुत विशेषता है पर निर्वासन की समस्या के संदर्भ में हमारा तात्पर्य इस स्थल पर उनके व्यक्तित्व के पूर्वोक्त दिक अनासक्ति या वैसे तटस्थता से ही है। इसके विपरीत आज के नए मनुष्य ने अपने आप को स्वयं की कोटर में बंद कर लिया है, वह धुरीहीन है, उसकी प्रतिबद्धता किसी से नहीं है। देश राष्ट्र समाज परिवार मानवीय भाव प्रेम करुणा दया अभिमान आदि से वह कटकर अलग होकर जीना चाहता है। वह स्वयं को संकुचित करके स्वयं के भीतर करके चरम निर्वासन को रसपूर्वक भोगने की सोचता है। पर राम का जो निर्वासन हुआ था उसे वनवास कहते हैं। मुक्त नील आकाश तले रम्य दारुण वन में 6 ऋतुओं की हवाओं के परिवेश में उन्हें निर्वासन भोगने को कहा गया था, स्वयं की कोटर में नहीं। दोनों स्थितियों में सत ही समानता है जिसे हमने प्रारंभ में स्थितिगत समानता कहा है, पर दोनों में मौलिक अंतर स्पष्ट है। फल होता है कि राम निर्वासन तो भोगते हैं पर अजनबीपन की यातना उन्हें नहीं भोगनी पड़ती। मेरे एक मित्र ने एक बार सवाल उठाया, राम और नए मनुष्य दोनों पर अकारण निर्वासन लादा गया पर क्या कारण है कि राम ने निर्वासन में रसना की जबकि आज का आदमी केवल आत्मक्षय करता है? उत्तर, निर्वासन की दोनों स्थितियों के उक्त मौलिक अंतर में है। यह सही है कि रचना के लिए सृष्टि के लिए अकेलापन आवश्यक है। प्रत्येक विधाता अकेले अकेले सृजन का कष्ट भोगता है पर अकेलापन और चीज है, अजनबीपन और। राम की रचना शक्ति अजनबीपन के कारण कुंठित नहीं हुई, उनसे कोई अजनबी नहीं। निषाद
रास्ते के कोल भील, खग मृग, सरिता सर, घाट बाट, नर वानर, उनसे सभी की पहचान है। ये वे पहचान में भी पहचान करते हैं, प्यार करते हैं, और ऐसी प्रीति कि कीन प्रीति कछु बीच न रखा, ये परस्पर कोई अंतर ही नहीं रखते। निश्चर काम रूप होता है, स्वभाव से माया भी होता है, पर तो भी कोई हर्ज नहीं, यह भी अपना। और यदि भेद लेन पठवा दृष्टि सा, तबहू कछु नहीं हानि का पेशा। जब विभीषण राम के पास आता है रावण को त्याग कर, तब यह संदेह जताया जाता है कि कहीं रावण ने राम का भेद लेने के लिए तो विभीषण को नहीं भेजा है। तब राम कहते हैं कि भेद लेन पठवा दृष्टि सा, तबहू कछु नहीं हानि का पेशा। यदि इसे भेद लेने के लिए भी भेजा है तब भी कोई हानि नहीं, पर इतना होते हुए भी वे अकेले हैं, एकदम अकेले। उस चरम बिंदु पर लक्ष्मण भी उनके साथ नहीं। यह अकेलापन जाने अनजाने लोगों के बीच पद्म पत्र मीमांसा वाला अकेलापन है। निर्वासन या अकेलापन मूलतः शाप की स्थिति नहीं, यह शाप की स्थिति तब हो जाती है जब इसमें अजनबीपन भी आकर जुट जाए। जब निर्वासन का अर्थ रसनाकार का नित्य अकेलापन हो तो यह शाप की स्थिति नहीं है, पर जब निर्वासन का अर्थ विश्व से, मनुष्य से, सौंदर्य से, अपने आप से अजनबीपन हो तो यह अवश्य ही शाप की स्थिति है। निर्वासन की ऐसी ही स्थिति को मैं हे मानता हूं। राम का जीवन एक ट्रेजेडी है। किसी भी बड़ी महिमा की अवतारणा के लिए, किसी भी महासत्य की स्थापना के लिए ट्रेजेडी की आवश्यकता होती है। ये महासत्य सिद्धि के पूर्व बलि मांगते हैं। इनका अवतरण विश्व के लिए मंगलमय होता है, पर जिसके माथे ये उतरते हैं उसको तो भोगना ही भोगना पड़ता है। राम को प्रारंभ में वन में निर्वासन मिला, बाद में राजदरबार की छोटी सीमा में ही निर्वासन भोगना पड़ा। सीता मिली, फिर उसे त्याग देना पड़ा, और एक लंबे काल तक, कम से कम लवकुश के 12-14 वर्ष के हो जाने तक शासन इसे निर्मम निर्वासन की स्थिति में चलाना पड़ा, राम राज्य की सारी मर्यादाओं के साथ। वरण का पथ, रचना का पथ, सृष्टि का पथ, सत्य का पथ, महिमा का पथ सदा निर्जन निसंग होता है, उस पर नायक अकेले चलता है। साथ साथ ऐदृश्य रूप में ऋतचक्र उसका सहचर होता है। राम का समस्त जीवन इसी महासत्य की व्याख्या है। महाभारत के अंतिम पर्व स्वर्गारोहण में यही बात प्रतीक रूप में प्रस्तुत की गई है। स्वर्ग शिखर पर आरोहण अकेले ही हो सकता है। श्वान रूप धर्म ही उस चरम बिंदु तक साथ दे सकता है, दूसरा नहीं। राम का जीवन साक्षात करुण रस है। वे ईश्वर की तरह अनासक्त, तटस्थ और महिमामय हैं, तो मनुष्य की तरह धीर, वीर, गंभीर हैं, स्निग्ध, श्यामल, करुण हैं। जब मैं ऐसा सोचता हूं तो मेरे मन के अंधकार को चीरती हुई एक छवि हटात उगती है और मेरे अंतर में धीरे धीरे नील पद्म की तरह प्रस्फुटित होती है, और उस नीलोत्पल के कोमल स्पर्श से, अर्थात नीलकमल के कोमल स्पर्श से, मेरा व्यक्तित्व विगलित होकर फिर वायवीय हो जाता है और हल्का हल्का सौरभ बनकर मनोरम पंपासर के धीर समीरण में लीन हो जाता है। तब राम के द्वारा भोगी गई सारी व्यथा एवं उनके जीवन की संपूर्ण करुणा का मैं सहभोगी साक्षी बन जाता हूं, और उस क्षण भर की लघु अवधि में लगता है कि मैं भी देवता ही हूं। तो मित्रों, यह था श्री कुबेरनाथ राय के तृतीय निबंध संग्रह गंधमादन में संकलित एक ललित निबंध राघव करुणो रस है। आशा है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें, बातें साहित्य की चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाकर भविष्य के सभी वीडियोज की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाएं, और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।